बार विश्वास दिखाया है पूरी बहुमत के साथ, और आज तक की भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ी विजय हरियाणा में मिली है। और कांग्रेस पार्टी का झूठा जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने जनता को कंफ्यूज किया था लोकसभा में झूठ बोलकर वोट किया था, लेकिन ये विजय जिस प्रकार से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके विकसित भारत का संकल्प उन्होंने लाया है, विश्व का सबसे विकसित भारत, विश्व का सबसे विकसित देश भारत को बनाने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मोदी जी ने किया, उस संकल्प को साथ देने का काम आज हरियाणा की जनता ने और जम्मू कश्मीर की जनता ने किया है। कांग्रेस पार्टी को अच्छे से लथाड़ा है, झूठे को लथाड़ा है, और अभी महाराष्ट्र की बारी है। महाराष्ट्र में भी डबल इंजन सरकार लोग चाहते हैं। मोदी जी अभी 2029 तक इस देश के प्रधानमंत्री है, और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित महाराष्ट्र का भी संकल्प लोग करेंगे। जनता डबल इंजन सरकार देगी। महाराष्ट्र की सरकार जो काम कर रही है, देश की सरकार काम कर रही है, ये दोनों सरकार का काम हम घर घर पहुंचाएंगे। हम भी महाराष्ट्र की हर घर से जनता से मिलेंगे, और जो झूठा 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 कहकर कांग्रेस ने जो महाराष्ट्र के भी जनता को कन्फ्यूज किया, लोकसभा में उनको थोड़ा विजय प्राप्त हुआ है महाविकास आघाड़ी को, लेकिन अभी महाविकास आघाड़ी का झूठा जो इस महाराष्ट्र में समाज में जाति जातियों में झगड़ा लगाने का काम महाविकास आघाड़ी ने किया, जाति जाति को भड़काया गया, समाज को भड़काया गया, इसके लिए हम सारे लोग महाराष्ट्र में जाएंगे और हर घर जाकर महाराष्ट्र में भी यही विजय को आगे लेके जाने का हम प्रयास करेंगे। चुनाव नतीजों के बाद महाविकास आघाड़ी के भीतर अब मुख्यमंत्री पद को लेकर ये कह रहे हैं कि जब तक चेहरा नहीं होगा तब तक कोई वोट नहीं करेगा। हरियाणा में सामने आइए, शिवसेना आ रही है लेकिन कांग्रेस कह रही है हम इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे, चैप्टर बंद है। देखिए उद्धव जी की बहुत हालत खराब है, उद्धव जी कटोरा लेके घूम रहे, कांग्रेस पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं। शरद पवार जी इनको सुप्रिया सुले जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कांग्रेस में चार चार लोग मुख्यमंत्री बनने को पहरा उनका सब भी तैयारी हो चुकी है, उन्हें मुख्यमंत्री का ताज अपने सर पे ले चुके हैं। तो मुझे लगता है उनका जो महाविकास आघाड़ी का जो वोट मांगने का तरीका है वो मुख्यमंत्री बनने के लिए है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस होड़ लगी है, लेकिन हमारे महायुति में ये होड़ नहीं है। हमारी महायुति में जो तीन नेता है हमारे, देवेंद्र जी, एकनाथ जी, अजीत दादा, ये सब लोगों ने हमने एक निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता की विकास के लिए हम वोट मांगेंगे। महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार 14 करोड़ जनता का भला कर सकती इसलिए वोट मांगेंगे। महाराष्ट्र में हम 14 करोड़ जनता के विकास के साथ साथ महाराष्ट्र देश में क्रमांक एक पर कैसा आएगा, देवेंद्र जी से हमारा लोक नेता जो महाराष्ट्र को क्रमांक एक पर लाने के लिए विजनरी मैन के नाम पे पहचाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में एक भारतीय जनता पार्टी विकास का मॉडल जनता को देगी, शाश्वत मॉडल देगी। हमारे बहना होगी, हमारे खेत के मजदूर होंगे, किसान होंगे, बेरोजगार होंगे, युवा होंगे, सबको एक शाश्वत हम मैनुफैक्चर देंगे, और अच्छा मैनुफैक्चर देकर केंद्र की और राज्य की सरकार दोनों सरकारें महाराष्ट्र में अच्छे से काम करने का हम प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता भी विकास के एजेंडे पे साथ देगी, विकास के लिए साथ देगी, झूठे लोगों को महाराष्ट्र से हद्दपार करेगी, और ईमानदार काम करने वाले हमारे महायुति को लोगों को फिर एक बार पूरे बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार आएगी। हम इस विजय से हमें जो आत्मविश्वास मिला है, मैं महाराष्ट्र की जनता की तरफ से हरियाणा की और जम्मू काश्मीर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। और महाविकास आघाड़ी में जिस प्रकार से इन्होंने जनता से बेईमानी की,
जनता से झूठा कहा, ये झूठ का फैसला नवंबर में निश्चित रूप से महाराष्ट्र में करेंगे। सर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे म्हणाले मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा घोषित करा, आता समर्थन द्यायला तयार आहे। उद्धव ठाकरे दबाव टाकले महाविकास आघाडी मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा जो आहे तो जाहीर करावा, माझा पूर्णपणे पाठिंबा असेल। महाविकास आघाडीमध्ये मुख्यमंत्री पदावर वाद सुरू आहे आणि हा वाद इतका विकोपाला गेला आहे, उद्धव ठाकरे स्वतः दोन दिवस मुख्यमंत्री पद पाहिजे असा कटोरा घेऊन दिल्लीमध्ये राहिले, राष्ट्रवादी नेत्यांना भेटले, दिल्लीची काँग्रेसची राष्ट्रवादीचे सर्वांचे घर पुजून ते आले दिल्लीमध्ये, त्यांना कोणी रिस्पॉन्स दिला नाही। आतापर्यंत 5 मेळाव्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची मागणी केली आणि शेवटी काँग्रेस आणि शरद पवारजींना त्यांना रिस्पॉन्स दिला नाही, म्हणून आता ते म्हणायला लागले आहे की महाविकास आघाडीने मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा जाहीर करावा। पूर्वी मागणी होती मलाच मुख्यमंत्री करावं, पण मला माहिती आहे की शरद पवारजींना सुप्रियाताईला मुख्यमंत्री करायचं आहे, काँग्रेसला नाना पटोले बाळासाहेब थोरात आणि 5 लोक काँग्रेसचे नवरदेव झाले मुख्यमंत्री पदाचे, आणि उद्धव ठाकरेंना सर्व जे महाविकास आघाडी आहे हे मुख्यमंत्री पदाकरता जनतेमध्ये जात आहे आणि आम्ही जातो आहे महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेच्या विकासाकरता। सर रामदास यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले, ते म्हणाले 2019 साली देवेंद्र फडणवीस चर्चेसाठी उद्धव ठाकरेंना सातत्याने फोन करत होते, मात्र उद्धव ठाकरेंना काँग्रेस सोबत जायचं होतं म्हणून त्यांनी महाविकासचे दरवाजे बंद केले। उद्धव ठाकरे पहिल्यापासून मागच्या भाजपा सेना युतीच्या सरकारमध्ये ते असताना शरद पवारजीशी त्यांचं बोलणं सुरू होतं, ते विधानसभा निवडणुका 2019 शरद पवारजीशी इंटरनल युती करूनच लढले आहेत हे सर्व श्रुत आहे, जे 2019 विधानसभा निवडणुका शरद पवारजी आणि उद्धव ठाकरेंनी आत्मतेत समझोता करून लढले आहेत आणि त्यामुळे शरद पवारजींनी त्या काळात म्हटलं असेल त्यांना की भाजपाचे मत घेऊन टाका, तुमचे आमदार निवडून आणा आणि मग आमच्याकडे येऊन जा, जसं शरद पवारांनी सांगितलं तसं उद्धवजीने ऐकलं आणि मग शेवटी उद्धवजीच्या हातात काय लागलं, तर उद्धवजीच्या हातात जे लागलं ते असं लागलं हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना कधी न त्यांना पटणारी युती, हे काँग्रेसच्या दरवाज्यात उद्धव ठाकरे जातील हे कधी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी विचारही केला नसेल, कारण बाळासाहेब असे म्हटले होते की जर मला काँग्रेसच्या दरवाजात जायचं असेल तर मी शिवसेना बंद करून टाकेन, पण उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांचा मानसुद्धा केला नाही। उद्धव ठाकरे मताच्या राजकारणाकरता एवढे लाचार झाले की त्यांच्या रॅलीमध्ये म्हणजे लोकसभेच्या नाशिकच्या परभणीच्या धाराशिवच्या रॅलीमध्ये पाकिस्तानचे झेंडे उद्धव ठाकरेंच्या विजयी उमेदवाराच्या रॅलीमध्ये त्या ठिकाणी फडकवण्यात आले तरी उद्धव ठाकरे काही बोलायला तयार नाही। उद्धव ठाकरे हे मताच्या राजकारणाकरता लाचार झाले, उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्वाशी बेईमानी केली आणि सोबतच त्यांनी आता काँग्रेस राष्ट्रवादीचा हात पकडला, शरद पवारांचा हात पकडला आहे, काँग्रेसचा हात पकडला आहे, महाराष्ट्राची जनता मात्र आता यांना सबक शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। आम्ही विकासाचा अजेंडा घेऊन जाऊ, आमचं डबल इंजिन सरकार महाराष्ट्रात काम करत आहे, पुढचे 5 वर्षसुद्धा या महाराष्ट्रात डबल इंजिन सरकार येईल या विश्वास मला आहे। आम्ही जनतेमध्ये विनम्रपणे जाऊ, आम्हाला विजयाचा उन्माद नाही आहे, पराजयाने आम्ही खचलो नाही आहे, आम्ही आता पुन्हा आत्मविश्वासाने महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेमध्ये जाऊन आम्ही या ठिकाणी महाराष्ट्राचं सरकार आणण्याकरता पुन्हा एकदा जनतेला विनंती करू, जनतेचा विकासाकरता आम्ही संकल्प करू, आम्ही त्या ठिकाणी विकासाचा जाहीरनामा देऊ। उद्धव ठाकरेंनी असं देखील म्हटलंय नाही, आमच्या सर्व जिल्हाध्यक्षाला आम्ही बोलवतो आहे, आमच्या आता जे आमचे उमेदवार आहे
उमेदवारावर चर्चा होती आहे। आमचे त्या ठिकाणी सर्व जिल्हाध्यक्ष कोर कमिटीचे मत आम्ही घेतो आहे। मला वाटतं की आम्ही समन्वयाने आमचे उमेदवार जाहीर करू आणि असे जाहीर करू की जनतेमध्ये कार्यकर्त्यामध्ये आणि उमेदवाराची त्या ठिकाणी सर्व मिळून पसंती करून जो उमेदवार येईल त्या उमेदवाराला सर्व पार्टी महायुती जिंकून आणण्याचं आम्ही प्रयत्न करू। कधीपर्यंत यादी जाहीर होईल सर? मला वाटतं की आमची आता अंतिम चर्चा सुरू आहे, आमच्या पक्षाची अंतिम चर्चा सुरू आहे, लवकरच ही जाहीर होईल। उद्धव ठाकरेंनी बयान दिया है कि एक समय था जब शिवाजी महाराज गुजरात को लूटा करते थे, लेकिन आज दो लुटेरे ऐसे हैं जो महाराज को लूटने में लगे। हाँ, दो लुटेरे ऐसे हैं जो महाराज को लूटने में लगे, उद्धव ठाकरे ने बयान दिया। नहीं, अभी उद्धव ठाकरे जरा वो अभी कल के आज का जो हरियाणा का रिजल्ट आया ना और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आया उसमें जरा उनका दिमाग नहीं चल रहा है। हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।